अस्सलाम वालेकुम। आप सबका टॉपर्स टॉक में इस्तकबाल है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कासिम खान कासिम साहब। ये श्रीनगर से हैं और AIPGT यूनानी AIPGT 2020 में इन्होंने थर्ड रैंक लाया। इस बार 2020 के AIPGT के एग्ज़ाम में थर्ड टॉपर हैं। तो आज हम इनसे आप लोगों की मुलाकात कराऊंगा और जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने कैसे प्रिपेयर किया और इतनी शानदार कामयाबी इन्होंने जो पाई है, हासिल की है, तो इसके बारे में आज हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो खान साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे इस टॉपर्स टॉक में। शुक्रिया सर। पहले तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु आपके लिए भी और तमाम जो देख रहे हैं इस वक्त, उनको भी मेरा सलाम है। इस वक्त तो अभी सिर्फ अस्सलाम हम ही वालेकुम। इस वक्त तो सिर्फ हम लोग दोनों देख रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन फ्यूचर में लोग देखेंगे ये चीज़ें। फ्यूचर के जी लिए सर, हैं जी। अभी हाल ही में एक मूवी आई है हॉलीवुड की, जी टिनेट। सर, उसमें उसने कहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग प्रेजेंट में रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन वो फ्यूचर के लिए होती है। तो ये भी फ्यूचर में हजारों लोग देखेंगे इंशाल्लाह जी सर, जी। तो फ्यूचर के जो लोग देख रहे हैं उनको भी अच्छा हमारा और आपका सलाम और सबका इस्तकबाल। मैं आपको सबसे पहले मुबारकबाद देना जी सर, चाहूँगा कि आपने ये बहुत शानदार कामयाबी हासिल की है। इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। आपने श्रीनगर का नाम रोशन किया, जम्मू एंड कश्मीर का। शुक्रिया सर, शुक्रिया। इससे पहले आपकी तरफ आपके यहाँ से जम्मू एंड कश्मीर से डॉक्टर वसीम साहब थे, उन्होंने भी टॉप 15 में रैंक शायद उनकी थी, और टॉप 15 में थे या टॉप 10 में थे। और उसके बाद डॉक्टर शबनम वानी जो नियम में हैं, उन्होंने भी अच्छा रैंक जी टॉप 10 के अंदर में थी वो। और उनके बाद इन दोनों के बाद आप टॉप 3 में आए, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। जी सर, इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आप उन दोनों को जानते हैं? जी सर, जी सर, मैं वसीम सर को तो जानता हूँ सर, अच्छे से। जी। आपके जी आपके बारे में पता चला डॉक्टर फैसल मंजूर, उन्होंने बताया कि हमारे कॉलेज से हैं ये डॉक्टर कासिम, थर्ड रैंक लाए हैं। तो जी बहुत खुशी जी हुई। सर, जी सर, इस बार का रिजल्ट अगर देखा जाए तो टॉपर AMU से, सेकंड टॉपर पुणे से और थर्ड टॉपर श्रीनगर से। ये जी इंडिया के मैप पे इसका एक पिच मैप बनाया जाए तो ये एक ट्राइंगल बनेगा और बहुत खूबसूरत लगेगा कि पूरे हिंदुस्तान से टॉप 10, अगर टॉप 10 का आप देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान से लोग हैं। तो ये एक अच्छी बात है, डाइवर्सिटी होनी चाहिए हमारे यहाँ। जी और ये बहुत अच्छा लगा इस बार देख करके। और तो इसके लिए आपको बहुत बहुत जी मुबारकबाद। सर, मैं पहले जानना चाहूँगा आपके बारे में, आप अपना इंट्रो कराइए, लोग जानना चाहेंगे आप कहाँ से, आपकी स्कूलिंग हुई है कहाँ से, BMS किए, और ये सब बताएं आप कहाँ से कहाँ के रहने वाले हैं। जी सर, मेरा नाम खान कासिम लाल है और मैं असली पुलवामा का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा, कश्मीर से। और मैंने तो स्कूलिंग मेरी जो है वो बचपन में पुलवामा में ही हुई थी, और फिर मैं 8th के बाद बोर्डिंग स्कूल में गया था श्रीनगर। उसके बाद मैंने जो है BUMS की डिग्री हासिल की है कश्मीर तिबिया कॉलेज से, जो कि कश्मीर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। अब रिसेंटली मैंने AIPGT का एग्ज़ाम दिया और उसमें अल्लाह की मदद से, अल्लाह के चाहने से थर्ड रैंक हासिल किया है, ऑल इंडिया रैंक। जी, आप इंटर्नशिप कहाँ से किए थे? किस को जो एक्सटर्नल 6 मंथ का इंटर्नशिप होता है, वो किस हॉस्पिटल से आपने किया था? सर, एक्सटर्नशिप तो मैंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा से 6 महीने की थी, और 1 साल के लिए मैं फिर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चाड़ूरा, वहाँ ही कश्मीर से ही की थी। कब आपने ये आपका इंटर्नशिप कब कंप्लीट हुआ? सर, इंटर्नशिप तो हमें फैब में कंप्लीट हुई थी अच्छा, यानी फ्रेश बैच आपका है ना? इसी साल। जी, टॉपर जी सर, फ्रेश है जी, इसी टॉप साल फ़रवरी में। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फ्रेश बैच से हैं और फोर्थ वगैरह भी फ्रेश बैच से हैं। यानी जी जो जी न्यू कॉमर्स देख रहे हैं उनको देखना होगा ये चीज़ें कि
कि ये नहीं कि हम पहले इंटर्नशिप कर लें और फिर प्रिपेयर करें और उसके बाद फिर हम निकाल पाएंगे, क्रैक कर पाएंगे APGT, ऐसा नहीं है। फ्रेशर्स ही APGT क्रैक किए हैं, जो टॉपर्स हैं सब फ्रेशर्स हैं। और जी सर, आप तो उसके साथ साथ आपने तैयारी की होगी इंटर्नशिप के साथ में। अक्सर बच्चों का यही सवाल रहता है कि इंटर्नशिप के दौरान कैसे मैनेज किया जाए प्रिपरेशन को, तो आप बताइए आपने कैसे मैनेज किया था उसको, इंटर्नशिप के साथ साथ प्रिपरेशन कैसे किया। सर जो ही मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई थी तो मैंने पहले ही दिमाग में रखा था कि मुझे MD के लिए जाना है, और इसलिए मैंने सोचा था कि इंटर्न के दौरान मैं मॉडर्न सब्जेक्ट्स जो हमें हैं एलोपैथिक सब्जेक्ट्स उनको कवर करूं, और फिर उसके बाद मैं कुछ मंथ्स यूनानी सब्जेक्ट्स के साथ दूं। तो फिर मैंने इंटर्नशिप के दौरान जिस जिस डिपार्टमेंट में मैं गया तो मैंने उसको साथ साथ थोड़ा कवर भी कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेडिसिन में था तो मेडिसिन में मैंने साथ साथ पढ़ाई की 2-3 घंटे हर रोज, उतना ज़्यादा भी नहीं, 2-3 घंटे मैंने पढ़ाई की। इसके बाद सर्जरी या ICU जो है फिर सर्जरी के साथ दिया थोड़ा टाइम, और फिर जब इंटर्नशिप ख़त्म होने को थी तो उसके बाद मैंने अच्छे से घर बैठकर पढ़ाई की। और इस साल जो लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से भी काफ़ी टाइम मिला प्रिपेयर करने के लिए। यानी ये चीज़ न्यू कॉमर्स को नोट करनी चाहिए कि आप जिस डिपार्टमेंट में आपकी इंटर्नशिप ड्यूटी लगी है उस डिपार्टमेंट उसकी पढ़ाई कर लें उस दौरान। मेडिसिन में 1-2 महीने जो लगे तो जी जी उसमें जी मेडिसिन वो आपने इस तरीके से किया, ये एक चीज़ें नोट करनी चाहिए जी सर, जी बच्चों सर मैंने मैंने ऐसे जी। ये जी बताइए सर आप कितने देर पढ़ाई करते थे इंटर्नशिप के दौरान, और फिर लॉकडाउन जब हुआ तो उसमें जब ज़्यादा वक्त मिली तो उस दौरान आपने कितनी देर पढ़ाई की 24 घंटे में। सर इंटर्नशिप के दौरान तो यही एवरेज में 3-4 घंटे ही पढ़ पाता था मैं, क्योंकि सुबह से शाम तक हॉस्पिटल था तो फिर उसके बाद मैं 3-4 घंटे पढ़ लेता था। और लेकिन फिर मैंने नवंबर से, इसी साल नवंबर से थोड़ा टाइम बढ़ा दिया, तो फिर मैं 4-5 घंटे ऐसे ही थोड़ा बढ़ा दिया। जी लेकिन पहले जब मैंने प्रेपरेशन शुरू की तो मैं पहले, पता नहीं मुझे कोई स्ट्रेटजी ऐसी मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मैंने पहले एनाटॉमी स्टार्ट की, फिर फिजियोलॉजी स्टार्ट की, और मैंने उनके साथ काफ़ी काफ़ी टाइम लगा दिया, क्योंकि रोम्स में मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो समझ नहीं आते हैं ऐसे, तो उस वक्त आपको टेक्स्ट बुक की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने लगभग 2 महीने लगा दिए एनाटॉमी फिजियोलॉजी के साथ, और जिसकी वजह से मैं एक स्टेज आया था कि मैं डिप्रेस हो गया। मुझे लगा कि आप बहुत कम टाइम है, क्योंकि हमें जो पहला डेट था वो अप्रैल 29 था, जी तो मुझे लगा कि मुझे, क्योंकि हमारा जो एग्जाम है ऐसा नहीं है आप एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करो, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके बाद मुझे लगा कि मुझे सिर्फ रोम्स पे ही फोकस करना चाहिए ज्यादा, मुझे ज्यादा टेक्स्ट बुक में डिटेल में नहीं जाना चाहिए। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो सबसे जरूरी बात होती है वो ये है कि ये जरूरी नहीं है कि आप 10 बुक्स कंसल्ट करो एक सब्जेक्ट पे, जरूरी ये है कि आप एक ही बुक्स कंसल्ट करो और वही 10 बार रिवाइज करो, तो वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक ही बार 2 बार पढ़ते हैं तो मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चंस कर पाएंगे। और दूसरी बात जो मैंने सीखी उसके बाद, तो क्योंकि मैंने पहले कवर किया मॉडर्न सब्जेक्ट्स, फिर मैंने उसके बाद जो है यूनानी सब्जेक्ट्स पे गया मैं सेटअप वाइज, लेकिन जब मैंने मिड अप्रैल में मैंने मिड मार्च में ख़त्म किया था, मतलब एक रिवाइज करके एक, लेकिन उस वक्त मुझे लगा कि मैंने फिर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ बुक्स लाई, और मुझे लगा कि मैंने मुझे उतना ग्रास्प नहीं हुआ है, मतलब मुझे लगा ये कुछ 50-60% है क्वेश्चन जो मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ, लेकिन जो मैंने नया पढ़ा था वो मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। और उस वजह से भी मुझे थोड़ा मतलब लगा कि मुझे स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए। और फिर मैंने क्या किया कि मैं हाफ डे यूनानी पढ़ता था, और हाफ डे जब एक्सटेंड हो रहा था डेट यहाँ से, हाफ डे जी मैं यूनानी पढ़ता था सुबह 8 बजे स्टार्ट करके, 7-8 बजे, 1 बजे तक मैं यूनानी पढ़ता था, और उसके बाद मैं यूनानी के क्वेश्चंस करता था साथ साथ। फॉर एग्जांपल अगर मैं उसूल तिब्बत पढ़ता हूँ तो उसूल तिब्बत के क्वेश्चंस उन्हीं टॉपिक्स के जो मैं पढ़ता हूँ, मैं जी देखता था कि मुझे मैंने कितना ग्रेस किया है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आधे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आपको लगता है कि
मतलब इजीली कि हाँ ये मुझे ठीक हुआ, लेकिन फिर सिली मिस्टेक्स हुई होती है, जी तो उससे एक प्रैक्टिस बन जाती है, उससे समझ आता है कि एग्जाम में कैसे चलना है आपको। और उसके बाद मैं असर नमाज के बाद स्टार्ट करता था मॉडर्न सब्जेक्ट्स, और फिर मॉडर्न सब्जेक्ट्स के जो एमसीक्यूज हैं वो भी 1-2 घंटे लगभग 12 तक। तो फिर उसके बाद हमें ये मैं करता रहा जून तक, मई जून तक, जून तक। हाँ, तो फिर जब ज्यादा जो एग्जाम पीछे हो रहे थे तो डेट शीट भी नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने थोड़ा रेस्ट भी लिया, 1-2 महीने मैंने उतना अच्छे से नहीं पढ़ा। तो फिर जब हमारा डेट शीट आया, तो डेट शीट के बाद तकरीबन 40-50 दिन के बाद एग्जाम होना था, तो उस दौरान मैंने 15 से 16 घंटे स्टडी किया है। और मैंने उस दौरान बहुत ज्यादा यूनानी पे कंसंट्रेट किया, बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस किए, और मुझे लगता है कि जो बुक्स है वो मैंने, मतलब ज्यादा बुक्स मैं कंसल्ट नहीं करने वाला था फिर, क्योंकि टाइम नहीं था उतना, और उसकी वजह से मुझे लगता है कि बहुत हेल्प हुई। लास्ट के 40-50 दिन जो एक्सटेंसिवली स्टडी की मैंने यूनानी को, तो उस वक्त मुझे लगा कि हाँ अब मैं एग्जाम क्वालिफाई कर सकता हूँ। लेकिन ये मुझे नहीं पता था कि मैं टॉपर्स में आऊंगा, तो ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि मैं टॉपर्स में आया। मुझे तो, मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं टॉपर्स में आऊंगा, बस मुझे ये दिमाग में था कि मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी से एमडी की डिग्री हासिल करूं, तो वो सोचते सोचते मैं दिल्ली पहुंच गया, पता नहीं थी। अल्लाह जहाँ पहुँचा दे। मैंने सुना आपके भाई भी टॉप नीट में टॉप किए हैं, कुछ अच्छा रैंक उनका है, उनके बारे में बताइए जरा क्या है उनका रैंक। जी, वो स्टेट टॉपर हैं, और उनको, उनकी जो ऑल इंडिया रैंक है वो है 188। जी सर, उन्होंने इसी साल टॉप किया। तो एक्चुअली हम इस साल, मेरा भाई और मैं, क्योंकि लॉकडाउन था तो हम एक ही कमरे में पढ़ रहे थे, तो मुझे लगता है कि भाई की वजह से भी बहुत, क्योंकि जब मैंने 1-2 महीने बीच में थोड़ा मतलब रेस्ट लिया, थोड़ा काम भी होता था घर पे, तो मैं वैसे नहीं पढ़ा, तो मुझे बोलता था नहीं फिर डेट शीट आएगा फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम पढ़ो, तो कंटिन्यू पढ़ो, क्योंकि कंसिस्टेंसी जरूरी है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। एक तो कंसिस्टेंसी जरूरी है, दूसरी बात जो जरूरी है वो है कि आपको जो है ज्यादा बुक्स पर फोकस नहीं करना है आपको, बस एक सब्जेक्ट में एक बुक आपने ली तो उसी को रिवाइज करना है बार बार। और तीसरा है क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो सबसे, क्योंकि उसी से पता चलता है आपको कि आपने कितना ग्रेस्प किया है। जी, तो एक कमरे से आप लोग दो टॉपर्स निकले हैं, स्टेट टॉपर, नीट स्टेट टॉपर और AIPGET ऑल इंडिया टॉपर। ये उनको भी मुबारकबाद दे दीजिए जो भी जी बच्चे सर, थे, अल्लाह का उनको मैं शुक्र। उनको भी मुबारकबाद दे रहा हूँ, उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उनका एडमिशन कहाँ हुआ, किस कॉलेज में हुआ? जी सर, उन्होंने तो, उन्होंने एडमिशन किया था पहले एम्स भोपाल गए थे वो, तो फिर उनका कुछ, उन्हें कहा नहीं आप भी बाहर जा रहे हो तो मैं वापस ही आऊंगा, तो वो थोड़ा होम सिक है तो इसलिए वो वापस जीएमसी में ही आ गए। जी सर, लेकिन एडमिशन किया था पहले एम्स भोपाल में। जी, मैंने सुना था कि उनको एम्स मिला फिर वापस आए, ये सब मैंने सुना था कुछ। चलिए, बहुत मुबारक दोनों भाइयों को, आप लोगों को। और ये बताइए आपने कौन कौन सी शुक्रिया बुक, सर। हाँ कौन कौन सी बुक आप पढ़ी, किस किस बुक को आप रेफर किया, ये बताइए बच्चों को। देखिए सर, पहले तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे लगता था कि मुझे सब कुछ पढ़ना है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सबसे बड़ा हर्डल होता है, देखिए जो भी इस वक्त हमारे जूनियर्स हैं, जो भी इस वक्त सोच रहा होगा कि मैं एमडी करना चाहता हूँ, तो जो सबसे बड़ी जो हर्डल होगी उनके लिए वो ये है कि जब वो सिलेबस देखेंगे, जब वो देखेंगे यहाँ से मुझे इतने मॉडर्न सब्जेक्ट्स भी है, यहाँ से यूनानी सब्जेक्ट्स भी है, तो एक किस्म का डर जो है, उस डर की वजह से 60% बच्चे बैठ जाते हैं, वो बोलते हैं कि मुझे करना ही नहीं है। लेकिन ये सबसे बड़ी वीकनेस होती है, ये सोचना नहीं है कि ये कुछ तूफान है, ये उतना भी नहीं है। अगर आप इरादा कर लें तो, और अगर आपको मतलब चाहत है, तो आप तकरीबन तकरीबन 6 से 8 महीने पहले 6-6 घंटे, अगर सिर्फ 6-6 घंटे अगर आप पढ़ेंगे, इजीली आपका जो है एग्जाम का जो है क्वालिफाई हो जाएगा। तो जो बुक्स हैं, बुक्स की बात करें तो पहले पहले तो मैं दो दो तीन तीन बुक्स कंसल्ट करता था, लेकिन फिर मैंने मॉडर्न में रोम्स पे ज्यादा फोकस किया, क्योंकि उतना टाइम नहीं था फिर, तो मैंने रोम्स को ही, मैंने सोचा नहीं मुझे रोम्स को ही रिवाइज करना है बार बार। सिर्फ एसपीएम में मैंने रिव्यू बुक जो है विवेक जैन की, और मेडिसिन में रिव्यू बुक है दीपक मारवा की, तो वो मैंने की थी कंसल्ट थोड़ा बहुत, लेकिन प्रैक्टिकल
प्राइमरी तो मैं बोलूंगा कि रोम ही बेस्ट है मॉडर्न के लिए, और जो यूनानी के लिए, मैंने यूनानी के लिए रहबर मौलजात, मौलजात के लिए तो रहबर मौलजात मैंने कंसल्ट की, और जहां जहां मुझे लगा कि मतलब कोई पॉइंट मिसिंग है या मुझे समझ नहीं आया आई कोई बात, तो उस वक्त मैंने शरह असबाब कंसल्ट की है, लेकिन शरह असबाब मैंने अच्छे से कंसल्ट नहीं किया है, सिर्फ उस वक्त जब मुझे जरूरत पड़ा। और जो है जामिल अदविया बहुत अच्छी बुक है, लेकिन ये दोनों बुक्स जो है इनको क्या है कि इनको 5-6 बार तो पढ़ना है, छोटी बुक्स हैं लेकिन 5-6 बार जो नहीं पढ़ेगा वो इसमें से क्वेश्चंस नहीं कर पाएगा, और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ साथ नहीं करेगा। हाँ, वो जामिल अदविया में भी क्या है कि आधी जगहों पर समझ नहीं आता है, आधी जगहों पर आपको जो टेक्स्ट बुक्स है मुफरदात की या सादला की या मुरकब कंसल्ट करनी पड़ती हैं, या लाइक जज्वी खास वो जो होते हैं, या फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जो जज्वी खास होता है वो वहां नहीं लिखा है, या आपको कहीं पर लगता है कि ये कम है, तो उस वक्त अगर आपके पास टाइम है तो आप जा सकते हैं वहां पर, तो बहुत अच्छी बुक्स हैं। और उसूल तिब तो है ही, उसूल तिब तो बेसिक है, वो तो जरूरी आपको पढ़नी है सब की सब। तो ये 3 बुक्स जो है ये मैंने ज्यादा जो है मतलब रिविजन्स किए हैं इन बुक्स के, तो उसी वजह से जो है मुझे लगता है कि मैं क्वेश्चंस कर पाया, क्योंकि वरना अगर आप देखेंगे इस साल पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ था, इस साल रीजनिंग एसर्शन भी आई थी तो एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी, पेपर देख के थोड़ा मतलब घबराए भी थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो रिविजन्स थे रिविजन्स की वजह से मुझे लगता है कि वो क्वेश्चंस कर पाए। आपको क्या लगता है जो नए पैटर्न पे क्वेश्चन हुआ आया था, तो इस तरीके के क्वेश्चन आने चाहिए या पहले जो आते थे उस तरीके के होने चाहिए? आपको क्या लगता है नो कि सर, जो इस साल नहीं, जो सर इस साल क्वेश्चन पैटर्न आया था वो बहुत ही अच्छा था, अगर देखा जाए तो उससे जो है उसे नजरिया ही बदल जाता है कि कैसे पढ़ना है। रीजनिंग असर्शन से क्या होता है कि इंसान के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ऐसे नहीं कि मतलब आप कोई टेक्स्ट ये ना ऑब्जेक्टिव बुक्स लाएंगे और फिर वही पढ़ेंगे फिर एग्जाम देंगे, तो रीजनिंग असर्शन से आपको कंपलसरी बनता है कि आपको टेक्स्ट जो है वो आपको कंसल्ट करना है, आपको पढ़ना है, और पढ़ने के साथ साथ तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस तो जरूरी है ही, लेकिन ये अच्छा पैटर्न है, दिन ब दिन आना चाहिए ऐसा। और आपको मौलजात मिला यहाँ पे करोल बाग में, आपने ये क्यों सिलेक्ट किया, मौलजात और करोल बाग क्यों सिलेक्ट किया? सर एक्चुअली जो है मुझे लगता है कि सबसे बड़े पहले तो अल्लाह ताला रहबर होता है, मैं बोलता हूँ कि जो सीनियर्स का रोल है वो बहुत ज्यादा होता है इंसान को, तो सीनियर से कंसल्ट करना चाहिए क्या अच्छा है क्या नहीं। मैंने बहुत सीनियर से मतलब बात की कि क्या बेस्ट रहेगा आपके हिसाब से, तो मुझे लगता है करोल बाग को ज्यादा वोट्स मिले सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा उन्होंने कहा कि करोल बाग बेस्ट है, आपको करोल बाग मिल रहा है आप जाने मत दीजिए, तो इसलिए मैंने, वरना तो मैं पहले चाहता था कि मैं कश्मीर में ही रहूं, लेकिन सीनियर्स ने बहुत सीनियर्स ने कहा नहीं ये गलत होगा आप चाहिए बाहर, आपको मौका मिल रहा है लाइफ में तो इससे एक्सपोजर भी बढ़ेगा आपका, इसलिए मैंने करोल बाग ही चूज किया। और दूसरी बात यह है कि इसमें मुझे जो दिल्ली चाहती, मुझे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है अजमल खान तिबिया कॉलेज वो मुझे ज्यादा पसंद था पहले, लेकिन थोड़ा वो क्योंकि वहां से फिर दिल्ली एयरपोर्ट दूर है, फिर तो कभी थोड़ा दिल्ली से नजदीक ही है कश्मीर, तो कभी कभी जाने का जो मन करेगा तो जा सकते हैं जल्दी में। जी इन सब बातों को आप कंसिडर करके आपने सेलेक्ट किया, आपका फ्यूचर क्या है, फ्यूचर प्लान क्या है, आप MD के बाद क्या करना चाहते हैं? सर, अभी तो MD में 3 साल है, और 3 साल में मुझे अल्लाह को पता है कि मुझे कौन कौन से लोग मिलेंगे, किन किन लोगों की गाइडेंस होगी, और अभी तो मैंने डिसाइड नहीं किया है, लेकिन 3 साल इंशाल्लाह अच्छे से मेहनत करके मुझे लगता है कि मैं कर लूंगा 3 साल में डिसाइड मुझे आगे क्या करना है, ऐसे टीचर्स मिलेंगे इंशाल्लाह जो मुझे अच्छा मशवरा देंगे कि आपको किस में जाना चाहिए क्या करना चाहिए, तो अभी मैंने वैसे डिसाइड नहीं किया है कि मैं क्या करने वाला हूँ 3 साल के बाद। यही हाल मेरा UG में भी था, मुझे PG का कोई दिमाग में ये था ही नहीं कि मुझे PG करना है, लेकिन फिर जो हमारे टीचर्स हैं या जो सीनियर सिलेक्ट हुए हैं तो उनकी गाइडेंस की वजह से मुझे PG में शौक हुआ,
तो फिर मैंने पीजी कर लिया आज, और अब 3 साल में मैं देखूंगा कि मेरे लिए क्या बेहतर रहेगा, क्योंकि डिसीजन चेंज होते हैं फिर देख के हालात, तो फिर डिसाइड होगा। अभी मुझे कोई अभी तो बस मैं चाहता हूँ कि मैं जितना खुद को मतलब मोल्ड कर सकूँ और यूनानी को फायदा पहुंचा सकूँ और यूनानी में कुछ काम कर सकूँ, तो वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। अगर मैंने इन 3 साल में खुद को अच्छे से कुछ सीखा, और इसलिए सीखा कि ये नियत रख के कि मुझे इस पैथी को आगे ले जाना है और मुझे लोगों की खिदमत करनी है, तो मुझे लगता है अल्लाह ताला जरूर कोई ना कोई रास्ता मुझे दिखा देगा जो मेरे लिए सबसे बेहतर होगा। बहुत अच्छी बात है ये। आप अब आखिर में एक टेक होम मैसेज जो आपको देख रहे हैं इस वक्त, जो लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो न्यू कमर्स हैं, उनके लिए कोई एक मैसेज आप जो दें, जिसको उन जिनको वो फॉलो करें प्रिपरेशन के लिए, कोई एक टेक होम मैसेज बताइए। मैं तो मेरी मैसेज उनके लिए यही होगी, पहली बात यह है कि आप अपने दिल से डर निकालिए कि पीजी में उतना पढ़ना है इतना पढ़ना है ये कोई बात ही नहीं है, आप बस अच्छे से इरादा कीजिए। और एग्जाम से पहले अभी तो मुझे लगता है कि 6-7 महीने हैं अभी एग्जाम को, और अच्छे से आप अभी से स्टार्ट कीजिए, 6 to 6 to 8 hours बस, उतना ज्यादा नहीं। फिर लास्ट के दिन खुद इंसान 15 15 घंटे पढ़ता है लास्ट के मंथ, लेकिन इस वक्त आप 6 से 8 घंटे प्रेपरेशन करेंगे, और कम से कम बुक्स पर, ज्यादा बुक्स पर ध्यान मत दीजिए कि आप मुआलजात में 5 6 बुक्स लाएंगे, नहीं, आप जाइए रहबर मुआलजात पढ़िए अच्छे से, और जहाँ आपको समझ नहीं आएगा आप खुद उस वक्त शरह अस्बाब कंसल्ट करोगे। इसी तरह आप जामिया अल-अदबिया पे जाइए और उसूल तिब जो है उस पर देखिए, और अगर रेजिमेंटल थेरेपी जो इलाज बिल तदबीर है उसके लिए आप छोटी सी बुक भी आती है, अगर वो भी कंसल्ट करेंगे तो मतलब वो तो आप खुद डिसाइड करोगे जब आपको टाइम बचेगा, लेकिन इस वक्त तो उसूल तेब, रहबरी मौलजात और जो है जामिया अल-अदबिया, तो ये 3 बुक्स जो है ये आपको रिवाइज करनी है, 3 4 बार आप रिवाइज करो, खासकर जो है रहबरी मौलजात और जामिया अल-अदबिया 5 6 बार रिवाइज करनी है बस। और साथ साथ आप जो है मॉडर्न के लिए तक 6 से 8 घंटे में से 2 3 घंटे मॉडर्न के लिए रखिए हर रोज, और आप एमसीक्यूज के लिए 1 से 2 घंटे हर रोज। ये टाइम टेबल मैंने फॉलो किया था लास्ट पे, और मुझे लगा ये बेस्ट है, क्योंकि अगर आप इन टच रहेंगे हर एक सब्जेक्ट के साथ, वो इम्पोर्टेंट है इसमें इन टच रहना। आपने एक सब्जेक्ट इस बार पढ़ा और फिर आप वही सब्जेक्ट 3 आओगे तो वो कोई फायदा देने वाला नहीं है, उतना टाइम भी नहीं होता है फिर। और इंटर्नशिप में ही आप मॉडर्न सब्जेक्ट्स को कवर करें, और साथ साथ जो है जो यूनानी सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए भी 1 1 घंटा रखिए, उनके वो भी थोड़ा उनका कंसेप्ट जो है, कंसेप्ट्स ऐसे क्लियर होते हैं, लास्ट में कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं। और जो इस साल पेपर आया था तो वो तो ये नहीं था कि जो लास्ट में पढ़ेगा उसके लिए वो पेपर नहीं था, टोटल भी नहीं, तो वो उसके लिए था जिसने ओवर द टाइम डिग्री के दौरान जो है चीजों उनको ग्रैस्प किया हो, वो पेपर जो है उसके लिए लास्ट में पढ़कर जो है, अगर कोई इंसान लास्ट में पढ़ता है तो उसको वो पेपर आता, वो नहीं आता उसको, तो वो तो उसको आता जो जिसने बहुत टाइम पहले जो है तैयारी कर रखी होती थोड़ा 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 करके ऐसे ही। तो मेरा मैसेज यही है कि बिल्कुल डरना नहीं है, और कम से कम बुक्स रिवाइज करो, और रिवाइज जरूरी करो, रिवाइज जो है 5 6 बार करो, और एमसीक्यू जरूरी, एमसीक्यू साथ साथ अगर आप उमूरतिबिया पढ़ते हैं, आप अरकान पढ़ते हैं, अरकान के ऑब्जेक्टिव्स लाओ, अरकान के ऑब्जेक्टिव्स देखो कहाँ पर मुझे मुझे अरकान हो गया क्लियर कि नहीं, मुझे मिजाज इखलात वो हो गया क्लियर कि नहीं, उसके ऑब्जेक्टिव साथ साथ जब आप करते हैं, या इल्मुल अमराज आप पढ़ रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव साथ साथ कीजिए, तो ये कोई मुश्किल नहीं है आपको, फिर खुद डायरेक्शन मिलेगी, बस स्टार्ट करना मुश्किल होता है। स्टार्ट में तो मुझे भी लगता था कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया तो जब मुझे पुश लगा तो मुझे फिर बस मैं रेस्टलेस हो गया, मुझे जैसे लगता था नहीं मुझे अब करना है करना है, मैंने अब किया स्टार्ट, तो फिर इंसान खुद चलता है, अल्लाह ताला खुद रास्ता दिखाता है कि मुझे क्या करना है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर आप अभी से स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप वक्त दिए, आप हमारे साथ बच्चों को गाइड करने के लिए इतना वक्त दिया, और आपको एक बार फिर बहुत बहुत मुबारकबाद। आप दोनों भाइयों को, दोनों टॉपर्स को बहुत बहुत मुबारकबाद। आप शुक्रिया बहुत सर, तरक्की शुक्रिया करें और यूनानी के शुक्रिया लिए सर, आप कुछ करें इस खिदमत से, जज्बे के साथ आप, अल्लाह आपको और तरक्की दें। थैंक यू। आमीन आमीन, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।